हे वेलकम बैक टू डीबी स्टूडियो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 15x40 फीट हाउस की, जिसका स्क्वायर फीट में एरिया है 600 एंड गज में बात करें तो 67 गज का ये एरिया है। प्रोजेक्ट डिटेल्स की बात करें तो ये रही प्रोजेक्ट डिटेल्स, इसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको, क्या बिल्टअप एरिया है इसका, क्या कवर्ड एरिया लिया हुआ है हमने, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, इंटीरियर कॉस्ट, कितने BHK, 2 BHK है क्योंकि रिक्वायरमेंट यही थी हमारी 2 BHK की इसमें, एंड इसके साथ कार पार्किंग भी मिल जाएगा जो कि हमने G+1 में बनाया हुआ है। फ्लोर प्लान की बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पर हमने यहाँ पर पार्किंग दी हुई है, ऑब्वियसली मैंने बताया आपको, ड्राइंग रूम दिया हुआ है, एक कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है, किचन दी हुई है, डाइनिंग, यूटिलिटी एरिया, सारे एरिया मिल गए हैं यहाँ पर हमें। इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर बात करें तो फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ पर 2 बेडरूम विद अटैच टॉयलेट मिल जाता है, फैमिली लॉन्ज एरिया, पूजा एरिया। इसके बाद टेरेस पर हमेशा की तरह हमने टेरेस गार्डनिंग की हुई है काफ़ी अच्छी, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहना। एंड इन प्लान के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ जाके आप इसकी PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं और सारे साइजेस भी देख सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे मैं कहूँगा, वीडियो को अभी लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड अभी तक आपने डीबी स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट हम लाते रहते हैं। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो घर को यहाँ पर एक मॉडर्न लुक में डिज़ाइन किया हुआ है, आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, काफ़ी यूनिक डिज़ाइन हमने यहाँ पर इसका रखा है। ये डिज़ाइन कल हमने अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, तो आपको एक दिन पहले सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे, हमें फॉलो कर सकते हैं नीचे, आपको मिल जाएंगे DB Studio 22 के नाम से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। इस प्लॉट के तीनों साइड अदर्स प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर हमने एक OTS या फिर इसको शाफ्ट कह सकते हैं, हमने इसमें एरिया दिया है ताकि वेंटिलेशन हो पाए, जो कि हमारा मेन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वेंटिलेशन। इसमें हमने 2 गेट आपको दिए हुए हैं, एक पार्किंग का और एक पेडेस्ट्रियन का। तो एंट्री करते ही आपको यहाँ पर काफ़ी ग्रीन एरियाज मिल जाते हैं, ग्रीन वॉल मिल जाएगी, ग्रीन श्रब्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। एंड ये रही आपकी एक पार्किंग। तो घर में एंटर करते ही यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमें मिल जाता है हमारा छोटा सा एक ड्राइंग रूम, काफ़ी बजट में इसको हमने बनाया है, काफ़ी सिंपल डिज़ाइंस मिलेंगे आपको। इसी के सामने स्टेयर केस के नीचे आपको मिल जाता है TV यूनिट। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने यहाँ पर कमेंट किए थे कि स्टेयर केस के नीचे आप TV यूनिट देते हो, पिछली आप 2 वीडियोस में आप देख सकते हो हमने दिया हुआ है। तो इसका मेन पॉइंट जो हमारा है ये है कि हम मैक्सिमम स्पेस को यूज़ कर पाएँ, स्टेयर केस के नीचे का वेस्ट हो जाता है हमेशा स्पेस हमारा, तो इसलिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टोरेजेज में। सबसे बेस्ट हमारे लिए रहता है कि उसको हम स्टोरेज में यूज़ करें, तो क्यों ना हम स्टोरेज को TV यूनिट के साथ कंबाइन कर दें। तो इसी पर्पस से हमने स्टेयरकेस के नीचे हमेशा TV यूनिट दिया है। एंड किसी ने ये भी कमेंट किया था कि जो TV यूनिट दिया हुआ है हमने स्टेयरकेस के नीचे, वहाँ सोफा दे दो, तो यार वो भी गलत हो जाएगा, कोई बैठता है तो यार उसके सर पर स्टेयरकेस लग सकता है, अगर हम सोफा को आगे भी खिसका दें तो बैक साइड में जो पीछे गंद वाला स्पेस बनेगा ना वो अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो सोफा एक वॉल पर ही सही लगता है, जो वॉल को हम डिज़ाइन करें, पैनलिंग करते हैं, इसलिए आप हमारी वीडियोज़ में देखना सारी। तो यार स्टेयरकेस के नीचे स्टोरेज और TV यूनिट कोई बुराई नहीं है, अनलेस कि आपका TV ना पाए, वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर हम TV के साइजेस भी 40 इंच+ ही रखते हैं, तो आपके TV भी आराम से आ जाएगा यहाँ। तो यही आपसे क्लियर करना था, आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। एंड ये डोर देखेंगे तो ये डोर आपको मिल जाएगा एक कॉमन वॉशरूम का, जो कि कोई गेस्ट आता है तो वो इसको यूज़ कर सकता है। ड्राइंग रूम से आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपको 4 सीटिंग की डाइनिंग चेयर मिल जाती है। ये किचन का काउंटर एरिया है यहाँ पर। ये आप डोर देखेंगे तो इसमें एंटर करते ही यहाँ पर आपको ऊपर आपको दिख जाएगा जाल लगा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये वेंटिलेशन के में मैंने आपको बताया था OTS दिया हुआ है, और इसको शाफ्ट भी बोल सकते हैं आप। ये हमारा यूटिलिटी एरिया भी है।
वॉशिंग मशीन डोर के बैक साइड में हाइड हो गई है। ये अब हमारी एल शेप में मॉड्यूलर किचन मिल जाती है हमें। ये जो काउंटर एरिया है हमें कनेक्ट करता है हमारे डाइनिंग एरिया से। किचन से बाहर आएंगे तो यहाँ हमारा ग्राउंड फ्लोर का टूर ख़त्म होता है। स्टेयरकेस से चलते हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पर एंटर करते ही हमें यहाँ पर सामने मिल जाएगा पूजा एरिया हमारा। पार्टीशन के साथ हमें यहाँ पर फैमिली लॉन्ज एरिया भी मिल जाएगा। वॉलपेपर्स का यूज़ किया हुआ है क्योंकि हमें बजट में डिज़ाइनिंग करनी थी। फॉल सीलिंग डिज़ाइन देख सकते हैं। फैमिली लॉन्ज एरिया से अंदर की साइड चलेंगे तो ये डोर आपका बेडरूम नंबर 1 का डोर है। एंटर करेंगे यहाँ पर बेडरूम मिल जाता है, वॉलपेपर्स मिल जाते हैं बेड बैक पे, वार्डरोब मिल जाएगी, टीवी यूनिट भी मिल जाएगा। फैसिलिटीज़ की कोई कमी नहीं रखते हम। अटैच वॉशरूम भी मिल जाता है आपको यहाँ पर, जिसका वेंटिलेशन पीछे OTS से हो रहा है। बेडरूम 1 से आगे चलेंगे, ये विंडो देख सकते हैं डोर के पीछे ही OTS में है, तो बेडरूम का वेंटिलेशन इस साइड से हो रहा है। आ जाएंगे हम अपने फैमिली लॉन्ज एरिया में। देन हमारा सेकंड डोर, ये हमारे बेडरूम नंबर 2 का डोर है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे मॉडर्न डिज़ाइन में टीवी यूनिट मिल जाता है बड़ा सा आपको। ये आप रास्ता देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले वॉकिंग क्लोजेट मिल जाता है। वॉकिंग क्लोजेट के साथ अटैच वॉशरूम भी मिल जाएगा आपको, जो कि आपकी हमेशा रिक्वायरमेंट होती है अटैच वॉशरूम्स की। बाहर चलते हैं वॉकिंग क्लोजेट एरिया, देन आ जाएंगे हम अपने बेडरूम एरिया में। ये आपको दिख जाएगा डोर बालकनी की तरफ, तो बालकनी भी मिल जाती है इस रूम में हमें। डिजाइन देख सकते हैं आपने, एलिवेशन में डिजाइन देख लिया होगा ऑलरेडी। वापस अंदर चलते हैं, बेडरूम नंबर 2 था ये हमारा। और बाहर आएंगे तो हम आ जाएंगे फैमिली लॉन्ज एरिया में हम अपने। स्टेयरकेस से चलते हैं अब अपने टेरेस की तरफ, टेरेस गार्डन की तरफ। ये हमारा ममटी एरिया मिल जाता है, हम अपने बाहर फर्नीचर जो रखे होते हैं उनको अंदर रख सकते हैं। काफ़ी विंडोज़ यूज़ किए हुए हैं आपने देखा होगा, तो काफ़ी लाइट एंड वेंटिलेशन का इसमें प्रॉपर ध्यान रखा गया है क्योंकि साइज का थोड़ा छोटा था। बैक साइड में यहाँ पर टैंक्स प्लेस किए हुए हैं हमने। यह हमें मिल जाता है वही OTS वाला जाल। आगे चलेंगे यहाँ से, यहाँ पर आपको एक स्पेशल सिटिंग भी मिल जाएगी परगोला के नीचे, तो काफ़ी ग्रीन एरिया मिल जाते हैं। ये रहा हमारा परगोला। ये आप देखेंगे जो हमारे फ्रंट एलिवेशन में पार्ट ले रहा था, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है यहाँ पर हमें। इतने छोटे प्लॉट में भी हम इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं।
तो यही था हमारे 15x40 feet क्यूट से हाउस का डिज़ाइन। अगर डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, एंड अभी तक आपने डीवी स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसा ही कॉन्टेंट वीक में दो बार हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।